शाहजहांपुर जिले की थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी तादाद में बने बा अधबने अवैध असलहा बा असलहा बनाने के उपकरण बरामद। दो शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। शाहजहांपुर एसपी एस आनंद के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में थाना कटरा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। क्षेत्राधिकारी तिलहर परमानंद पांडे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार की रात करीब 10 बजे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सोलंकी के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मिल्कीपुर खैरपुर से हरिहरपुर उत्तरी जाने वाले कच्चे रास्ते पर खड़ी गन्ने की फसल में से ग्राम खैरपुर के रहने वाले दो अभियुक्तों सद्दीक पुत्र इदरीस व फहीम पुत्र सद्दीक को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मौके से भारी मात्रा में बने बा अधबने शस्त्र बा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इस संबंध में थाना कटरा पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेशी हेतु रवाना कर दिया। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार, उप निरीक्षक देशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, अजय राणा, तैयब अली, कांस्टेबल नवीन कुमार, ललित कुमार, रोहित तोमर, अमित कुमार शामिल रहे। कल थाना कटरा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गांव खैरपुर के पास के जंगलों में कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का कार्य करते हैं। इस सूचना पे कल पुलिस ने मौके पे जब दबिश दी तो दो व्यक्ति अवैध शस्त्र बनाते हुए पकड़े गए हैं। ये दोनों थाना कटरा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं तथा इनका नाम सिद्दीक और फहीम है और ये दोनों पिता पुत्र हैं। इनके पास से मौके से एक अदद राइफल 315 बोर, एक बंदूक 12 बोर, 3 तमंचे, 2 तमंचे अर्धनिर्मित, 2 नाल लोहा बड़ी, 10 अर्धनिर्मित नाल छोटी तथा शस्त्र बनाने का ढेर सारा सामान बरामद हुआ है। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इनका एक दूर का रिश्तेदार जो थाना तिलहर क्षेत्र का रहने वाला था उसके साथ मिलके हम लोग ये शस्त्र बनाने का कार्य करते थे। करीब 3 वर्ष पूर्व वो अपना मकान बेच के गुजरात शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये काम बंद कर दिया गया था। इधर कुछ आर्थिक तंगी की वजह से हम लोगों ने ये काम फिर शुरू किया था। इसमें करीब 1 से 1.5 हज़ार रुपये के बीच में लागत आती है तथा ये करीब 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में इसको विक्रय कर दिया जाता है। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है जिससे कि अभी तक इनके द्वारा बेचे गए असलहों के बारे में जानकारी की जा सके।